गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एसेस कैसे ओपन करना है। ठीक है, तो आपको ओपन और इस हाउ टू ओपन ए माइक्रोसॉफ्ट एसेस एंड क्रिएट ए ब्लैंक डाटाबेस हम प्रैक्टिकली अब समझेंगे इसको कैसे बनाना है। ठीक है, ये आपका दिया है, मतलब विंडोज 10 का दिया है, लेकिन मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज है वो 2013 का है, तो सेम ही होता है। नीचे भी लिख दिया एसेस 2013 और 2016, ये क्या होते हैं ना, अपडेटेड वर्सन होते हैं, आपका बुक में भी लिखा है। ठीक है, आप इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो। और इसमें ओनली हम दो, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ प्रैक्टिकल के लिए, हाउ टू ओपन, कैसे ओपन करोगे माइक्रोसॉफ्ट एसेस को, एंड क्रिएट ए ब्लैंक डाटाबेस, ये दोनों कवर करूँगा। और नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल जिसमें हम क्या करेंगे ना, क्रिएटिंग ए टेबल डिजाइन व्यू, हम कैसे क्रिएटिंग टेबल डिजाइन व्यू बनाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो इसीलिए मैं पहले क्या करूं ना, मेरे को क्या करना है ना, माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज है तो ओपन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं पहले कहाँ जाऊंगा ना, ये जो स्टार्ट बटन लिखा है, तो मेरे को कहाँ पे जाना है ना, स्टार्ट में जाना है, स्टार्ट। देन कहाँ पे जाना पड़ेगा ना, माइक्रोसॉफ्ट का जो पैकेज है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे लिखा है मेरा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, तो ये जो मेरा पैकेज है वो 2013 वर्जन का है। तो इसको जब मैं ओपन करता हूँ उसके अंदर क्या आ जाता है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट्स आता है, आउटलुक्स आता है, पावर पॉइंट्स आता है, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज है। तो हमको अभी क्या प्रैक्टिकल करना है ना, एसेस, यहाँ पे देखो एसेस लिखा है, तो मैं क्या करूँ ना, एसेस को ओपन करना है, तो मैं एसेस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ तक मेरा क्या हो गया ना, माइक्रोसॉफ्ट एसेस मेरा अभी क्या हो गया, ओपन हो गया। अभी हम क्या कवर करेंगे ना, जो ये जो सेकंड पॉइंट में लिखा था क्या ना, क्रिएटिंग ए ब्लैंक डाटाबेस। ठीक है, अभी हम क्या कवर करेंगे ना, क्रिएटिंग ए ब्लैंक डाटाबेस। तो स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। जब माइक्रोसॉफ्ट एसेस ओपन हो जाता है, यहाँ पे देखो लिखा है ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस एंड एक आता है कस्टम वेब ऐप। जब कस्टम वेब ऐप में जाओगे आपको क्या मिलेगा ना, टेम्पलेट्स मिलेगा, जो प्री डिजाइन फॉर्मेट है, उसमें ओनली आपको क्या करना पड़ेगा ना, एडिट करना पड़ेगा। लेकिन हम अभी क्या करेंगे ना, क्रिएट ए ब्लैंक डाटाबेस, हमको एक क्रिएट ब्लैंक डाटाबेस बनाना है। तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्या करूँ ना, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, क्रिएट ए ब्लैंक डाटाबेस। तो अभी उसके बाद क्या था, डाटाबेस का फाइल का नाम देना था, तो मैं क्या देता हूँ, मंजित डाटाबेस। ठीक है, अभी मैं मेरा क्या है, फाइल का नेम दे दिया। जब फाइल का नेम दे दिया उसके बाद आपका जो फोर्थ स्टेप में लिखा है, क्या लिखा है ना, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, ये जो क्लिक क्रिएट बटन है, तो उसको मैं जब क्लिक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ना, मेरा ब्लैंक डाटाबेस बन जाएगा। तो अभी क्लिक करता हूँ, ये मेरा ब्लैंक डाटाबेस बन गया। तो उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा, और रो कॉलम भी ऐड करना पड़ेगा, और क्या है, सारे डाटा को बनना पड़ेगा। जो सेल्स यहाँ पे सारे सेल्स दिया है, अभी तो नहीं शो करेगा क्योंकि ना मैं कुछ अभी तक डिजाइन नहीं बनाया हूँ। जब क्रिएट में जाऊँगा, टेबल लूँगा, तभी यहाँ पे मैं सारे डाटा भर सकता हूँ। तो यहाँ तक था आपका क्या ना, जो फर्स्ट वीडियो में बताया था क्या ना, दो कवर करेंगे, हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एसेस, हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट एसेस ओपन करेंगे ना, पहले मैं कहाँ पे गया ना, स्टार्ट बटन में गया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का जो पैकेज में गया, उसके बाद यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट एसेस लिखा था उसके ऊपर क्लिक किया। जब क्लिक किया उसके बाद मेरा क्या आया ना, क्रिएट ब्लैंक डाटाबेस, और था जो वेब के थ्रे में वेब एसेस था। तो मेरे को क्या है ना, क्रिएट ब्लैंक डाटाबेस बनाना था, तो उसके बाद मैं क्या किया, क्रिएट ब्लैंक डाटाबेस के ऊपर क्लिक किया। जब ब्लैंक डाटाबेस के ऊपर क्लिक कर दिया, मेरा इस टाइप का फॉर्मेट आ गया। इसके अंदर भी आपको फाइल का नाम भी देना पड़ेगा, क्योंकि ना आप जो डाटाबेस बनाओगे उसको भी सेव करना पड़ेगा, तो इसीलिए फाइल का नाम चूज करोगे, उसके बाद क्रिएट जब क्लिक कर दोगे, आपका इसी टाइप का ब्लैंक डाटाबेस बन जाएगा।
ये था ओपन एंड क्रिएट ब्लैंक डेटाबेस। उसके बाद टेबल डिज़ाइन में और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कवर कर दूंगा। थैंक यू।